मेरा अगला सवाल जो है वो डॉक्टर सुनील से है। डॉक्टर सुनील, चावल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घरों में खाया ही जाता है, बिना इसे खाए ना लंच पूरा होता है ना डिनर पूरा होता है, पर जो प्री डायबिटिक मरीज हैं वो इसे कैसे थोड़ा हेल्दी तरीके से अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं? चावल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट राइस कैसे खाया जाता है ये एक इशू है। अगर केवल राइस में प्रॉब्लम होती तो हमारे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत ज़्यादा डायबिटीज होनी चाहिए थी कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री जहाँ केवल व्हीट वाली डाइट ली जाती है। तो ऐसा नहीं है। यस, राइस को जब भी आपको लेना है अपनी डाइट में इंक्लूड करना है तो उसका राइस का कैलकुलेशन बराबर होनी चाहिए। अगर आपको दो चपाती है तो एक मीडियम कटोरी कुक्ड राइस के बराबर होना चाहिए। राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जरा ज्यादा होता है, ये शुगर को इमीडिएटली शूट करती है बट उसके बाद क्विकली डाउन भी आती है। उसका एक तरीका है कि आप राइस के साथ में सैलेड, वेजिटेबल, दाल वगैरह प्रॉपरली लीजिए जिससे कि ग्लूकोज एक्सकर्शन एक्सेस में न जाए।